ओके ओके सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. व्हाटएवर वी डिड यस्टरडे, एक प्रॉब्लम और करना है हमको. देन वी डिस्कस सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल. दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल. दिस चैप्टर इज गेटिंग ओवर सून. ओके, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाओ ना बच्चे लोग. क्वेश्चन नंबर 79. आई थिंक प्रिशा हैज नॉट कम. प्रिशा हैज टू कम स्टिल. ओके, क्वेश्चन 79 में सबसे पहले अपना सिस्टम रखने का जीवन या डेटा, इसको जीवन बोलने का जीवन. देन टू फाइंड जीवन टू फाइंड एंड देन सोल्यूशन एंड देन विल डू सोल्यूशन. क्वेश्चन 79 तैयार रखो सभी लोग एंड We'll start solving. Question 79. I would like, who will read? Mars, read karoge question 79. A voltmeter is connected. A voltmeter is connected across a battery of EMF 12 volt and internal resistance of 10 ohm. If the voltmeter resistance is 230 ohm, what reading will be shown by the voltmeter? Reading shown by a voltmeter. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. रीडिंग शोन बाय वोल्ट मीटर क्या है? रिमेंबर देयर इज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ. देखो ईएमएफ के बारे में एक बात बताना भूल गया मैं आपको. ये जो बड़ा डंडा होता है ना, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. छोटा डंडा इज नेगेटिव. एंड ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव. ऐसे लिखने का कभी भी व्हेनेवर यू आर ड्रॉइंग सेल, डायरेक्शन ऐसा नेगेटिव टू पॉजिटिव बना देने का. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ. दैट इज यूनिवर्सल. ये भूलना नहीं. जैसे इधर समझो ऐसा है, कहीं भी डायरेक्शन लेफ्ट में या राइट में, यू विल मेक लेफ्ट में या राइट में डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ. ये साइड या ये साइड? लेफ्ट. लेफ्ट. एंड एनी अदर आंसर? फ्रॉम डाउन टू, फ्रॉम अप टू डाउन. अप टू डाउन. अरे जीतू, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ऐसे. ये वाला ध्यान रखने का. अगर ऐसा है तो यहाँ पे जैसे कोई इंक्लाइंड है ऐसा है तो क्या करोगे इसमें? नेगेटिव टू पॉजिटिव लाइक दिस. जीतू यू फॉलोड? यस सर. ओके, तो ये ध्यान रखना. ओके, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ सो दैट यू नो थिंग्स बिकम क्लियर. दिस ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट. और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10 ओम. एंड अ वोल्ट मीटर, ये लोग ने है ना वोल्ट मीटर करके बोला है लेकिन actually the resistance, a voltmeter has a resistance of 30 ohm. वो लोग बोलते हैं what is the reading shown by voltmeter? Reading shown by voltmeter is what, you know, reading which is there across voltmeter. मतलब इसके around ये voltage हमको ढूंढना है. This is what they want. This is what they want. अरे पर you have to be very careful. Actually diagram बना लो तो you know examiner को भी मजा आएगा. बोलेगा वाह ये student को समझ में आ गया क्या कर रहे हैं. यहाँ पे सपोज करंट इज आई, यहाँ पे सपोज करंट इज आई, तो एनीबडी कैन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू. वी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक बार फिर से प्रॉब्लम बताता हूँ. देयर इज अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम, उसको कनेक्ट किया अक्रॉस अ वोल्ट मीटर हुज रेजिस्टेंस इज 30 ओम्स. तो लोग बोलते हैं व्हाट विल बी रीडिंग शोन बाय वोल्ट मीटर. Anybody can tell me what will I do? What will be V का formula if I is going like this? यहाँ पे I जाते जाते यहाँ पे पहुंचेगा I, यहाँ पे पहुंचेगा I, तो tell me what will be voltage across resistance? V equal to what into what? V equal to what into what? Sir, IR. I into R, खत्म, इतना कर लो. तो पहले I निकालेंगे हम लोग. I का standard formula हमने कल derive किया ही था. What is I का standard formula? E upon R plus R. E कितना है? 12. Capital R कितना है? 30.
लेकिन देन इट डस दैट मींस 12 अपॉन 40 दैट मींस 4 3 12 4 2 40 दैट मींस ये आई कितना आया 0.3 एम्पीयर करंट फ्लोइंग इज 0.3 एम्पीयर एंड देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर विल बी I into R 0.3 into 30 इसमें कुछ गड़बड़ क्या है क्या V equal to I into R 0.3 into 30 9 वोल्ट अरे मैंने गलती कर दी है क्वेश्चन 79 में 12 वोल्ट है कितना वोल्ट है ये कितना है एक मिनट ये कितना है सर रेजिस्टेंस 320 ओम हाँ वोल्ट मीटर ऑफ इफ रेजिस्टेंस इज 230 ओम दिस इज नॉट 30 बट इट इज 230 ना एक मिनट दैट राइट देखो कुछ गड़बड़ किया क्या सर 12 अपॉन 240 आई 12 अपॉन 240 दैट इज 1 अपॉन 20 एम्पीयर यू आर नॉट नोबडी सेइंग मी कि सर यहां पे 230 लिखो रेजिस्टेंस 30 ओम नहीं दिया 230 ओम दिया है ओके सो बेसिकली आवर मेथड इज राइट वैल्यूज आर डिफरिंग 1 upon 20 into 230, 23 by 2, 11.5 volt. That's the answer. That's the answer. That's the answer. देखो एकदम इजी प्रॉब्लम है ईएमएफ 12 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन रीडिंग शोन द वोल्ट मीटर डायग्राम की जरूरत नहीं बट आई हैव ड्रॉन द डायग्राम टू मेक द थिंग्स इजी तो यहाँ पे ईएमएफ का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम वेयर टू वेयर फ्रॉम विच टर्मिनल टू विच टर्मिनल बोलो नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज रेजिस्टेंस गिव ऑफ वोल्ट मीटर यहाँ से करंट गया आई तो आई इंटू आर विल बी गिव दैट इज वॉट तो I equal to E upon R plus R. E कितना है? 12. Capital R कितना है? 230. Small R कितना है? 10. 12 upon 240. 1 upon 20. V equal to I R. Book में दूसरे method से गया, अपन ने दूसरे method से गया. That's okay. Answer is same. Book में क्या किया मालूम है? Book में लिखा है. Therefore V equal to E minus I R. E कितना है? E है 12, R कितना है 1 upon 20, छोटा R कितना है 10, that means 12 minus 0.5, 11.5, ये बुक में किया है, this is book method, but answer is the same, और alternative method you can copy, alternative method, ये कहां से आया मालूम बड़ा क्यों नहीं, should I explain how I got this, एक बार वापस बताओ, yes sir, okay, याद है आपको I equal to E upon R plus R therefore E equal to I into R plus R therefore E equal to I R plus I छोटा R therefore E equal to V plus I R and therefore V equal to E minus I R ये रहा कुछ नया फॉर्मूला नहीं है वही पुराना फॉर्मूला ही है ये अल्टरनेटिव मेथड लिखी ये भी कॉपी कर लो देखो इधर देखो एक मिनट लिखना बंद करो ये देखो यू नो दिस ये तो स्टैंडर्ड है बोलो यस और नो बोलते जाओ साथ में मेरे मुझे अच्छा लगेगा ओके देन क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू आई इनटू ब्रैकेट आर प्लस छोटा आर देखो इक्वल टू आई इनटू आर प्लस आई इनटू स्मॉल आर बट आई इनटू आर वी नो इज वी तो ई इनटू वी प्लस आई आर सो व्हाट इज वी वी विल बी ई माइनस आई आर तो वी ई माइनस आई आर 12 minus I is 1 upon 20. R smaller कितना है 10 है. Which is better method? पहला वाला method या नीचे वाला method? First or second? Which is better? The first one.
First one. Okay, no problem. But why I have given, you know, so that you should know what are the alternative methods also. You know, it is not compulsory to do only by this method. You know, things you should know. Isko mita do? Yes, sir. Okay. Okay, now. Little understand. The next title pe ajao. Can you see the title cells in series? Title likho cells in series. Sabhi log. Sabhi log cells in series ka title likho. Okay, understand. Cells in series mein humko kya? इसे रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपने किया था मालूम है आपको ओके उसी तरह से सेल्स इन सीरीज सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आइसन ये सेल तो यहाँ पे सेल्स इन सीरीज में कंडीशन ये है कि सेल्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर वन दो तीन चार पांच छह लाइक दैट यू नो इन अ कंटीन्यूअस चेन इन अ रो यू कैन से रो में कनेक्टेड बट एक ही कंडीशन है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड देखो ये सपोज E1 ये सपोज E2 यहां पे सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस इज सपोज R2 ओके ये वापस से दिस इज E3 दिस इज व्हाट इज E3 देन लेट्स से दिस इज E4 यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इज R3 यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इज R4 एंड सपोज दीज टू आर द पॉइंट्स और मुझे बोला है कि भाई इसका इफेक्टिव ई इक्विवेलेंट कितना है ई इक्विवेलेंट या ई फाइनल या ई रिजल्टेंट कुछ भी ऐसा पूछा हो तो सिंपल वेरी सिंपल जस्ट एड देम क्योंकि एक के बाद दूसरा दूसरे का तो इट इज नथिंग बट E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इफ एन सेल्स आर कनेक्टेड एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी EN का फॉर्मूला व्हाट विल बी EN का फॉर्मूला अगर एन सेल्स होंगे तो एनीबडी सर E इनटू N क्या E इनटू N नॉट रॉबर्स इट विल बी और सपोज 10 सेल है तो क्या करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू E10 अगर 25 सेल है तो E1 प्लस E2 प्लस अप टू 25 तो इसी तरह से N होगा तो E1 प्लस E2 प्लस लाइक दैट अप टू EN नहीं आए समझ में अरे पांच होंगे तो पांच बार लिख देगा E5 तक जाने का 25 सेल है तो E1 प्लस E2 अप टू E25 जाने का कंडीशन लेकिन ये ध्यान में रखना एंड व्हाट इज इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस effective internal resistance or R equivalent or R final जो भी बोलना है or R resultant will be equal to anybody can tell me can you see all these resistances are in series एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा they are in series तो what is the R equivalent Anybody? R plus R2 plus R3. That's right. That's right, Vidhi. Vidhi, you are absolutely right. This is the way you have to do. Ek example leta. Pehle itna ek bar. Dekho, isko pad dalte hum log. I think somebody will read out. So, ye to bahut aasan hai. Bahut aasan. Maaz. Maaz. Yes, sir. Read kar do, beta. Kya? Question you need to do. Question 82. Explain the concept of series combination of cells. Answer padho. In a series combination, cells are connected in single electrical path such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell and so on. The terminal voltage of battery is equal to the sum of voltages of
individual cells in series. Example given figure show two 1.5 volt cells connected in series. This combination provides total voltage. V is equal to 1.5 volt plus 1.5 volt is equal to 3 volt. The equivalent EMF of n number of cells in series combination is the algebraic sum of their individual EMF. The equivalent internal resistance of n cells in a series combination is the sum of their individual internal resistance. ये जो सिंबल है ना बेटा, इससे घबराओ मत अभी. ये मैथ्स वाले सर दूसरे सर है ना, वो क्लियर कर देंगे. इसको बोलते हैं सिग्मा. सुना है कभी कि फर्स्ट टाइम देखा? ये फर्स्ट टाइम देखा है कि पहले देखा है? फर्स्ट टाइम देखा तो इसको अभी बिल्कुल भाव मत दो, बाद में आपको समझ में आ जाएगा. मैथ्स में एक चैप्टर है समेशन, तो उसमें आपको सर समझा देंगे. तो अभी खाली ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है. तो सिग्मा से डरना नहीं. अभी इसका प्रॉब्लम क्या लेने का, बहुत इजी है. चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लो. फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ फोर सेल्स. फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ फोर सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट एंड 8 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम थोड़ा बदल देते हैं 1 ओम एंड let us say 4 ohm. So what will be resultant? 2 plus 3 plus 5 plus 8. After those, 10 or 8, 18 volt is the answer. And what is smaller equivalent? R1 plus R2 plus R3 plus R4. And that is equal to 2 plus 3 plus 1 plus 4. 4 और 2, 6. 6 और 3, 9, 9 और 1, 10. खत्म. फटाफट से कॉपी कर लो इसको. ओके, कॉपी किया यस सर? नो सर. ओके ओके. मेरे को होमवर्क सब लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं. होमवर्क ओनली फ्यू ऑफ यू आर सबमिटिंग. एवरीबॉडी मस्ट सबमिट द होमवर्क टू मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप. इज दैट क्लियर? और जितेंद्र यस सर, मेरे साथ आज बात करना. तुम्हारा जो डाउट था ना, आज दोपहर को मेरे साथ फोन पे बात करना. या आई विल टेल यू वन थिंग, लेट इवनिंग में तुमने मेरे को कुछ पूछा था ना डाउट्स. यस सर, विल क्लियर इट. ये मिटा दूं क्या? यस सर. ओके, ये तो बहुत इजी था, जरूरत भी नहीं थी प्रॉब्लम की. यहाँ पे ऑल ऑफ यू ड्रॉ जो पहले है ना, आप एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल. ऐसा लिखो, एक्सप्लेन द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल. Explain the combination of cells in parallel. Or can you see question 84 mein point number 1, point number 2, point number 3. Utni jagah chhodte jao. Point 1 likho, jagah chhodo. Point 2 likho, jagah chhodo. Point 3 likho, jagah chhodo. Aur uske baad mein diagram draw karo ye wala. Mere saath saath tum draw diagram draw karo. Draw this diagram along with me.
P1 R1 P2 R2. This is point A, this is point B, this is positive, this is negative. पॉइंट वन टू थ्री की जगह छोड़ो, सब भरना है आपको और मेरे को भेजना है बाद में. दिस इज सपोज करंट इज आई वन, यहाँ पे करंट इज आई टू, यहाँ पे करंट आई इज आई वन प्लस आई टू. ओके अभी अभी मैंने कुछ देर पहले, हाँ यहाँ पे ये भी बता दो, ऐसे ऐसे कर दो. इक्वल टू वी इक्वल टू ओके ऑल ऑफ यू. इतना लिखने के बाद जस्ट स्टॉप, पुट योर पेन डाउन, पेन को नीचे रखो और मेरी बात सुनते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ. बहुत इजी है, पेन को नीचे रख दो. देखो देयर आर टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल मींस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच इज कनेक्टेड टू अनदर कॉमन पॉइंट. हमने दो सेल्स लिए, पॉजिटिव टर्मिनल कैन सी इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट ए and negative terminal is connected to one point B. ऐसी situation को बोलते हैं cells in parallel. Two cells of EMF E1 E2 internal resistance R1 R2. Let the first cell में से current I1 जा रहा है, second cell में से current I2 जा रहा है. ये दोनों का मिलन यहाँ पे होता है और फिर current मिलता है I equal to I1 plus I2. This point A is at a higher potential. This point B is at a lower potential. Okay? Potential difference between A and B therefore will be VA minus VB. Because cells are in parallel, therefore V1 and V2 both will be same equal to V, equal to VA minus VB. Is this clear? Itna clear hai ki nahi abhi tak? Itna clear hai ki nahi? Yes, no? Arre yes or no bolo, to no bologe to wapas repeat karunga main. Awaaz nahi aa rahi hai? Ek minute, awaaz chali jati hai. Ha, aa rahi hai awaaz ki nahi? Yes, sir. Yes. Okay. Is this clear? कि एक बार और repeat कर दूँ? Sir, once more. Once more. देखो, there are two cells of EMF E1 and E2. When positive terminal of each cell is connected to one common point, negative terminal is connected to other common point, then we say cells are in parallel. Here point A, here point B. Point A is at a higher potential. Point B is at a lower potential. So therefore, potential difference will be VA minus VB. Let that difference be V. This V will be same across different this because cells are in parallel. Cells are in parallel. यहाँ से current I1, यहाँ से current I2. Total current here, ये दोनों का मिलन होता है यहाँ पे. I equal to I1 plus I2. ये वापस repeat करूँ कि समझ गए? Understood. Everyone? Okay. अब मैं मुझे एक बात बताओ. You already know E equal to V plus what? ये कौन बोलेगा? चलो इसको खत्म कराने के लिए V plus क्या लिखूं? General formula. अरे एक जन तो बोलो यार, अभी लिखा था, यहाँ पे लिखा था मैंने. I into capital R or small R? Small R. Therefore what is V equal to? Therefore V equal to E minus IR, is that clear? Yes. बोलो? Yes. Therefore, अभी हम लोग यहां से I को पिकअप करते हैं और यहां से मुझे एक बात बताओ. Therefore, for first cell, V क्या लिखू? V equal to, खाली इतना बोलो. V equal to क्या लिखू? First cell के लिए, इसके लिए, पहले cell के लिए.
अरे वी क्या लिखू, वी तो इधर और इधर दोनों जगह सेम है, इन दिस फॉर्म व्हाट शुड आई राइट, वी इक्वल टू आई स्मॉलर। अरे ये क्या, ये ई के बदले डोंट यू राइट, आई शुड राइट इवन माइनस आई के बदले फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल आई वन आर वन, नॉट क्लियर? अरे क्लियर की नहीं, and therefore tell me, can I say I1 R1 equal to E1 minus V, or therefore similarly for second cell kya likhu, who can tell me second cell ke liye kya likhna chahiye, anybody who can tell me I2 equal to kya likh do, isko compare karke E2 minus V upon R2। क्या तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो यार, only this new fellow is very good, E2 minus V upon R2, tell me total current I is what plus what, I1 plus what, I1 plus I2, tell me I1 के बदले क्या है, E1 minus V upon R1, I2 के बदले E2 minus V upon R2, and therefore can you see I equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V by R1 plus V by R2। ये मैथमेटिक्स कर रहा हूं, ये फिजिक्स नहीं कर रहा हूं, जरा देखो माइनस कॉमन लिया वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू दूसरे ब्रैकेट में लिखा, विल दैट डू, विल दैट डू, बोलो ना यार, यस नो, अरे हा या ना में तो बोलो, कोई तो बोलो, ओके okay. इसको मैं माइनस में लेता हूँ आई को इधर, देयरफॉर वी इंटू 1 upon R1 plus 1 upon R2 equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus I, will that do? मैं माइनस ये वाला, पर ये है ना, इसको यहां लाया, I को यहां से वहां ले गया, बोलो चलेगा कि नहीं, and therefore V into, इसका एलसीएम लिया आर वन इंटू आर टू, इधर आएगा आर वन प्लस आर टू, बोलो चलेगा, इक्वल टू व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आर वन आर टू एलसीएम लेता हूं, तो यहाँ पे आएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन माइनस आई, एंड देयरफॉर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई थ्रू आउट by R1 R2 upon R1 plus R2, तो क्या आएगा V into, नहीं तो ये इधर खाली V लिख दो ना, देखो ना इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो दिस R1 R2 R1 plus R2 will get cancel, यहाँ क्या बचेगा, खाली एक एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक दो तीन को, क्या बचेगा यहाँ पे, एनीवन ये क्या बचेगा यहाँ पे, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, इधर क्या आएगा, अरे एक जन बोलो ना क्या आएगा इधर, इसके बदले क्या आएगा, इफ आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय दिस, v into one, हाँ दैट इज v, v into one इज v, खाली v आएगा, दैट इज इक्वल टू इधर आएगा, इधर क्या आएगा, एनीबडी डिनोमिनेटर में, बिकॉज आर वन आर टू विल गेट कैंसिल, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, आर वन प्लस आर टू, दैट्स राइट, लवली मार्क्स, आई रियली लाइक इट, और इधर तो इससे ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आई इंटू वेरी गुड मार्क्स, नाउ इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, सपोज ये दो सेल को रिप्लेस करता हूं मैं एक ही सेल से, ए इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट,
ऑलराइट, ये दो सेल को मैं रिप्लेस करता हूँ एक ही सेल से, ऑलराइट, यहाँ पे दोनों के बदले एक सेल इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, पोटेंशियल डिफरेंस तो वी रहेगा, वी इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। मुझे कोई बताएगा व्हाट इज, व्हाट शुड आई राइट वी का फॉर्मूला, क्या लिखो, वी इक्वल टू क्या लिखो, एनीबडी, यहाँ पे आई करंट विल रिमेन आई, ना क्या लिखो वी का फॉर्मूला इस सेल के लिए, इस सेल के लिए क्या लिखो, इस सेल के लिए इतना ये सब ऊपर का भूल जाओ, v इक्वल टू देखो ये फॉर्मूला e माइनस आई आर, व्हाट शुड आई राइट, v इक्वल टू इतना फॉर्मूला, इसको कंपेयर करो खाली इसको, और e के बदले e इक्विवेलेंट, r के बदले r इक्विवेलेंट, i के बदले i, व्हाट शुड आई राइट, so e इक्विवेलेंट माइनस i इनटू r इक्विवेलेंट, दैट इज राइट, दैट इज राइट, क्या बाकी क्यों नहीं बोलते हैं, ये डायग्राम बुक ने बनाया नहीं है, मैं पहले यहाँ तक रिपीट करता हूँ उसके बाद में, क्योंकि जगह भर चुकी है, अभी हमारे पास जगह नहीं है, एक बार यहाँ तक लिख दो, बता देता हूँ मैं आपको, देखो वी नो फॉर्मूला ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, देखो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, मैथ्स फॉर फर्स्ट सेल वी इक्वल टू फर्स्ट सेल के लिए ई विल बी ई वन, आई विल बी आई वन, आर विल बी आर वन, I1 R1 will be E1 minus V. I1 will be E minus V upon R1. ये first cell के लिए हुआ. For second cell I2 will be equal to E2 minus V upon R2. I1 I2 मिला total current I. I1 plus I2. I1 यहाँ से यहाँ, I2 यहाँ से यहाँ. फिर I equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V by R1 plus V by R2. ऑलराइट, फिर मैं ये माइनस वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ से यहाँ लाया और I को यहाँ से यहाँ ले गया, तो I got this, फिर मैंने R1 R2 LCM लिया, तो इधर R1 plus R2 है, इधर R1 R2 LCM लिया तो मुझे ये मिला माइनस I, फिर मैंने थ्रो V को एकदम फ्री आजाद कर देना मेरे को, तो V को आजाद करने के लिए मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय थ्रो आउट बाय R1 R2 upon R1 plus R2, दिस विल बिकम V into 1, that is V, this R1 R2 will get cancelled, तो इधर आएगा E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, minus I के पास कुछ था ही नहीं, तो ये पूरा घुस जाएगा वहाँ पे, फिर suppose if I replace these two cells by one cell equivalent, internal resistance R equivalent, current I, तो V का आंसर होगा E equivalent minus I into R, इतना copy करो, इतना copy करो, जल्दी जल्दी copy करो, सुनो अगर ये डेरिवेशन नहीं होता है, सपोज इन केस पूरा खत्म नहीं होता है, हो जाएगा ज्यादा करके, तो फिजिक्स के लेक्चर में विधि, विधि आर यू देयर, विधि, तो फिजिक्स के लेक्चर में दैट इज व्हेन वी आई स्टार्ट लॉग, वो टाइम पे 5 मिनट के लिए आ जाना, आई एम नॉट गोइंग टू रब आउट दिस बोर्ड इन केस इफ इट वी आर अनेबल टू कंप्लीट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, तो मैच के टाइम पे आ जाना 5 मिनट के लिए, ओके सर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर टू, कॉपी कर रहे हो ना सब लोग,
हाँ हो गया कॉपी। समझ समझ के कॉपी करना, ब्लाइंडली कॉपी मत करना। ओम यू अंडरस्टूड मास यस सर। जीतू, समझ में आ रहा है ना सभी को? ये लिख के एक बार प्रैक्टिस करना तो ही तुम्हारा मजबूत होएगा। कभी भी खाली देख के नहीं होगा, पेन पेपर लेने का, इसको बंद करने का और लिख के देखने का हमेशा, वेदर यू आर एबल टू राइट और नॉट। इफ यू आर एबल टू राइट यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जाम ऑल्सो। इफ यू नॉट एबल टू राइट नाउ यू विल नॉट बी एबल टू राइट इन द एग्जाम। देयरफॉर अगर नहीं लिख पाए तो वापस प्रैक्टिस करो, वापस प्रैक्टिस करो जब तक मजबूत नहीं हो जाए। ओके कंपेयरिंग वन एंड टू, मैं खाली लिख के रखता हूँ और यहाँ पे फिर बाद में आपको पूछूंगा। ए बी बना देना, ये मैं भूल गया था। ये कॉपी किया यहां तक कि नहीं? कॉपी किया यहां तक कि नहीं? 11 मिनट। ओके आफिफ कॉपी किया? यस सर। जीतू, जीतू, प्रिशा, प्रिशा आर यू एबल टू कॉपी? प्रिशा कॉपी हुआ क्या? विधि हैव यू कॉपीड? विधि हैव यू कॉपीड? यस ओके अभी देखो, कैन यू टेल मी हु विल टेल मी इक्विवेलेंट क्या लिखूं और आर इक्विवेलेंट क्या लिखूं? कंपेयरिंग वन एंड टू, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? हु विल टेल मी व्हाट शुड आई राइट? इसको इसको कंपेयर करो। वी वी इक्विवेलेंट दिस, आई और आर इक्विवेलेंट दिस, व्हाट शुड आई राइट इक्विवेलेंट? बोलो। E1 R1 plus E2 R1 upon R1 plus R2। नो दैट इज रॉन्ग। इवन आर टू, इवन आर वन नहीं है, इवन आर टू है, नहीं दिख रहा है वो छोटा सा। इवन आर टू प्लस एंड व्हाट अबाउट आर इक्विवेलेंट क्या लिखो? आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अच्छा ये किसी को याद आ रहा है? ये सिमिलर टू व्हाट ऐसा कुछ हमने किया था? ये कब लिखते हैं ये वाला फॉर्मूला, कब लिखते हैं हम लोग? व्हेन वी राइट दिस फॉर्मूला? ऐसा मालूम है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, दो कंडीशन में तो हम लोग लिखते थे। तो यू नो और याद है ये? सर ओके इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन थ्री और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फोर। इसको बोलते हैं इक्वेशन थ्री और इसको बोलते हैं इक्वेशन फोर। डिवाइड इक्वेशन थ्री बाय फोर, डिवाइड इक्वेशन